पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के सर्जिकल स्ट्राइक और सेना के पुख्ता सुरक्षा इंतजामों से बौखलाए आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। आतंकियों ने सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम को निशाना बनाने की कोशिश की। घटना जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में हुई। आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। इस हमले में सुरक्षा बलों के 4 जवान सहित 12 लोग घायल हो गए। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने देश पर भरोसा जताते हुए कहा है कि भारत ने पूरी दुनिया के सामने साबित कर दिया है कि यह एक ताकतवर देश है। राजनाथ ने कहा कि हम किसी को पहले तो छेड़ेंगे नहीं, पर अगर हमको किसी ने छेड़ा तो हम छोड़ेंगे नहीं। उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी ताकत को साबित कर दिया है और दुनिया को संदेश दिया है कि भारत एक मजबूत देश है। गृहमंत्री सीमावर्ती राज्यों में सुरक्षा का जायजा लेकर लौटे हैं और साथ ही 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद भारत पाकिस्तान बॉर्डर को सील करने का भी फैसला उन्होंने ले रखा है। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव बृजलाल खावरी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है और पार्टी अध्यक्ष मायावती पर पैसे लेकर टिकट बांटने का आरोप लगाया है। इससे पहले भी बीएसपी छोड़ने वाले कुछ अन्य नेताओं ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ध्रुवराम के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले खावरी ने कांग्रेस मुख्यालय में कहा कि चुनाव में बीएसपी का टिकट लेने के लिए विभिन्न स्तरों पर सभी को पैसा देना होता है। 3 बार विधायक रहे ध्रुवराम ने कहा कि उनसे भी पैसा मांगा गया, जबकि उन्होंने प्रदेश के कुख्यात गेस्ट हाउस कांड में कथित रूप से सपा कार्यकर्ताओं के हमले में मायावती को बचाने में अहम भूमिका निभाई थी। अरविंद केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। अन्ना हजारे ने एक अखबार से बात करते हुए नरेंद्र मोदी की तारीफ की। अन्ना ने कहा कि पीएम मोदी किसानों और समाज के हित में काम कर रहे हैं। अन्ना के मुताबिक उन्होंने कभी नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के काबिल नहीं है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र की मोदी सरकार पर मधुकर गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट दबाकर बैठने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिल्ली सरकार के अधीन लाने का सिफारिश की गई थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप ये भी है कि डीडीए आज की तारीख में सिर्फ एक प्रॉपर्टी डीलर की भूमिका में काम कर रहा है और वह दिल्ली की जनता के प्रति जवाबदेह बिल्कुल नहीं है। देश के बैंकिंग सिस्टम से बैड लोन की समस्या खत्म करने के लिए सरकार एक योजना बनाना चाहती है। उसका मानना है कि इन्वेस्टमेंट रिवाइवल की राह में बैड लोन सबसे बड़ी बाधा है। उसे लग रहा है कि जब तक इस मुश्किल को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक देश की जीडीपी को अगले लेवल तक ले जाना मुमकिन नहीं होगा। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा राजस्थान के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नकली सिक्कों की सप्लाई की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने नकली सिक्के बनाने वाले एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गिरोह के पास से लाखों रुपए की कीमत के नकली सिक्के और मशीनें बरामद की है। पुलिस ने जाल बिछाकर 2 आरोपियों गुलशन और सचिन को इस मामले में गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लाखों रुपए के नकली सिक्के बरामद हुए। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को और मनोरंजक बनाने के लिए नए कोच लाने जा रही है। इन कोचेज में ग्लास सीलिंग यानी कांच की छत और एक इंफोटेनमेंट सेंटर भी होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का मकसद पर्यटन को बढ़ावा देना है। इन कोचों का निर्माण 2015 से शुरू हुआ था, जिन्हें IRCTC और RDCO और पेरम्बूर की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने डिजाइन किया है। पहला कोच कश्मीर की एक सामान्य ट्रेन में लगाया जाएगा, जबकि बाकी 2 को दक्षिण पूर्वी रेलवे के खूबसूरत अराक वैली से गुजरने वाली ट्रेनों का हिस्सा बनाया जाएगा। IRCTC का मानना है कि ऐसे कोच भारत में रेल टूरिज्म को बदल कर रख देंगे। गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज की पत्नी और समाजसेवी परमेश्वर गोदरेज का निधन हो गया है। उन्होंने सोमवार रात मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। 70 साल की परमेश्वर को फेफड़ों की बीमारी थी। परमेश्वर गोदरेज को एड्स बीमारी के कैंपेन के लिए जाना जाता है। इंदौर के होलकर स्टेडियम में टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड को 321 रनों से हराकर सीरीज को क्लीन स्वीप कर लिया है। न्यूजीलैंड को जीत के लिए 475 रन बनाने थे, लेकिन दूसरी पारी में कीवी टीम 153 पर सिमट गई। पहली पारी के बाद भारतीय स्पिन गेंदबाज और आर अश्विन दूसरी पारी में भी कीवी गेंदबाजों पर हावी रहे। उन्होंने दूसरी पारी में 7 विकेट झटक लिए। आर अश्विन को मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया है।